अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा लक्ष्य नंबर 37 है। लक्ष्य नंबर 37 है वापस क्या है, पीक इनवर्स वोल्टेज, ठीक है, और फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है और पीक इनवर्स वोल्टेज वापस क्या होता है, ठीक है ना। ये दो टॉपिक हमने पहले पढ़ा था, हमने हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा था, ठीक है ना। हाफ वेव रेक्टिफायर का हमने पार्ट्स में हमने एक पॉजिटिव हाफ वेव रेक्टिफायर और नेगेटिव हाफ वेव रेक्टिफायर। 36 लेक्चर है उसमें ज़्यादातर मेरा खाता पॉजिटिव था सारा का सारा, ठीक है। हम नेगेटिव हाफ रेक्टिफायर है ना, कि नेगेटिव को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक हो गया। अब इसके बारे में लिखा हुआ गया, तो नेगेटिव हाफ वेव रेक्टिफायर में वहाँ पर हमें मालूम है जो डायोड का मुंह होता है ना, यानी कि जो ट्रायंगल की जो नोक है वो किस तरफ होती है, सेकेंडरी कॉइल की तरफ, ट्रांसफार्मर की तरफ होती है। तो ये हमें मालूम होता है इसके ज़रिए कि भाई ये वहाँ पर जो सर्किट है वो कौन सा सर्किट है, ये नेगेटिव हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट है, ठीक है। अब उसके बाद नंबर टू चीज़ मैंने आपको बताई थी, अगर हमारे पास एक करंट सोर्स दिया हुआ हो, यहाँ पर हमें टर्न्स भी दिए हुए हो, तो हम V1 का पहले पीक वोल्टेज मालूम करते हैं, फिर V2 का पीक वोल्टेज मालूम करते हैं, फिर उसके ज़रिए हम क्या मालूम कर लेते हैं, पीक V2 के पीक वोल्टेज के ज़रिए हम इसका लोड रेजिस्टेंस का वोल्टेज मालूम कर लेते होते हैं, ठीक हो गया। अब हमें जो है यहाँ पर है वैल्यू नहीं दी हुई, यानी कि जो हमारे यहाँ पर जो है करंट सोर्स है वो हमें लगा के दिया हुआ है, ठीक हो गया ना। यहाँ पर हमें नंबर ऑफ टर्न्स लगा के दिए हुए हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ रेटेड बताया हुआ है 48 वोल्ट AC। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, हमने कंसिडर कर लिया कि यहाँ पर जो सेकेंडरी कॉइल है ना उसमें भी वहाँ पर 48 वोल्टेज ही है, तो हमें वहाँ पर ये वाला फॉर्म लगा लेगा हमने सिंपल सा, ठीक है ना। ये जो पीक का वोल्टेज मालूम करने के लिए था, यहाँ पर पीक वोल्टेज लिखा होता है, पीक वोल्टेज डिवाइड बाई 0.707। मैं आपको बताया था ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, लक्ष्य में 36 में सब चीज़ें बता चुका हूँ, इन सब के बारे में डिटेल फुल मौजूद है। अगर आप लक्ष्य में 36 नहीं देखा तो आप लक्ष्य में 36 भी देखें ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाए। अच्छा जी, अब इसके हम इस सर्किट को सॉल्व करते हैं। सर्किट में वापस क्या है, ये 48 वोल्ट वहाँ पर पीक दिया हुआ है, रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है 12 k, हमें क्या फाइंड आउट करनी है, हमने DC आउटपुट वोल्टेज, ठीक है ना। DC आउटपुट वोल्टेज का मतलब वही लोड वोल्टेज की आप कह सकते हो उसको। उसके बाद DC वोल्टेज आउटपुट जो है ना, आप इसे कह सकते हो कि वहाँ पर ये एवरेज के तौर पर भी आ सकता है, ये एवरेज वोल्टेज लोड वोल्टेज जो होते हैं ना, ये एवरेज के जुमरे में आते हैं सब चीज़ें। ये आपने याद रखना है, अगर DC आउटपुट वोल्टेज लिखा हुआ हो ना तो उसका मतलब क्या है, हमने जो है क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है, हमने लोड वोल्टेज प्लस एवरेज वोल्टेज, ठीक है ना, दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है हमने। अब हमारे पास क्या है कि हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, पीक वोल्टेज गिवन है और रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है बस, ठीक है ना। हमें बस वोल्टेज हमें गिवन है, हम इसके बाद इसके हम क्या फाइंड कर लेंगे, हम V2 का पीक मालूम करेंगे। V2 का पीक मालूम करने के बाद हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, हमने लोड वोल्टेज जो कि किसकी वजह से आ रहा है, इस डायोड की वजह से आ रहा है, ठीक है ना। डायोड का वोल्टेज वहाँ पर कितना है, 0.7, जो हमने प्रैक्टिकल लाइफ के तौर पर लिया हुआ है, सिलिकॉन का सिलिकॉन सेमी कंडक्टर यूज़ किया हुआ है हमने यहाँ पर, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 0.7 होती है, ठीक हो गया। हमने वो यूज़ किया, हमने से जो V2 और पीक हमने मालूम किया उसमें से माइनस कर दिया हमने, वहाँ पर आंसर क्या आ गया, ये वाला, ठीक है ना। अब उसके बाद हमने क्या किया भाई, हमने एवरेज मालूम कर लिया, एवरेज मालूम किया, एवरेज इज इक्वल टू VP डिवाइड बाई पाई। ये मैं आपको बता चुका हूँ कैसे आ चुका है, किसका फॉर्मूला, कैसे डेरिवेशन क्या थी, वो सब चीज़ें बता चुका हूँ 36 में, ठीक है ना। अगर आपने नहीं देखा तो आज भी देख लीजिएगा, क्योंकि उसके रिलेटेड लक्ष्य 37 है, ठीक है ना। अगर आपको लक्ष्य 36 समझ नहीं है तो हमसे पूछ ही जाएगा, अगर आपने नहीं देखा तो आप लाज भी देख लीजिएगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब उसके बाद जो हमारे पे ये फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर दिया हमने, ये वाला, ठीक है ना। VP का लोड रेजिस्टेंस हमें मालूम है, ठीक है ना, यहाँ पर हमने पुट कर दिया। टू ये तो लोड रेजिस्टेंस ना, हमारे पर जो पीक वैल्यू क्या थी 21, ये तो 21.39 जो पूरा वैल्यू है ना, एवरेज वैल्यू है, वहाँ पर पीक वैल्यू हमारे पास है ये वाली 67.2, पीक वैल्यू वहाँ पर 67.2 डिवाइड बाय पाई, पाई की वैल्यू वापस करो 3.14 समथिंग कुछ होती है। अगर आप उसको डिवाइड करोगे वहाँ पर आंसर क्या आता है, 21.39 वोल्ट, ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या है, ये तो हमारे पास आ गया, आप कह लो पॉजिटिव हाफ वेव रेक्टिफायर के तौर पर, ऐसे ही ना। वहाँ पर किस तरह आ गया, पॉजिटिव हाफ वेव रेक्टिफायर के तौर पर, हमारे पास डायोड किस फॉर्म में लगा हुआ है, नेगेटिव हाफ वेव रेक्टिफायर में, ऐसे ही है ना, हमारे पास नेगेटिव में लगा हुआ ना ये। हमने किस तरह फाइंड किया, पॉजिटिव में फाइंड किया। अब हमने सिंपली क्या करना है, बहुत आसान हल है उसका जो है ना, बहुत ही आसान हल है। V2 की वैल्यू, VL की वैल्यू, यानी कि लोड वोल्टेज की वैल्यू और एवरेज की वैल्यू, इन सब के साथ आप लगाओ नेगेटिव साइन, इस तरह करके नेगेटिव साइन, ये भी आपका आंसर आएगा किसमें, नेगेटिव हाफ वेव रेक्टिफायर में आ गई। ये जो आपके नेगेटिव आएगा ना, ये नेगेटिव साइन होता है, नेगेटिव का मतलब होता है वहाँ पर नेगेटिव साइड में चला गई है, अपोजिट डायरेक्शन। आपको बताया था ना मैंने शुरू से, जितने भी लेक्चर बताया रिकॉर्ड किए, जितने आपको लेक्चर प्रोवाइड कर चुका हूँ मैं, उन सब में मैंने बता चुका हूँ कि नेगेटिव साइड का मतलब होता है अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, ठीक है ना। ये भी वही चीज़ है कि नेगेटिव साइड, नेगेटिव साइन का मतलब कि अपोजिट है, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव पोर्शन में गया हुआ है, ठीक है ना, ये वो चीज़ है।
सोल्व हमने सोल्वेशन, अगर वहाँ पर डायोड के डायरेक्शन क्या लगी हुई, इस साइड पर लगी हुई हो, सोल्व आपने वैसे ही करना जैसे पॉजिटिव पर करते हो, लेकिन जब उसके आंसर आएंगे ना, आपने एंड पे क्या कर देना, उन सब के साथ क्या लगा देना, नेगेटिव लगा देना, और साथ में ये स्टेटमेंट लिख देना कि भी अब हमने क्या करना है, पॉजिटिव को नेगेटिव में चेंज करने के लिए हम क्या लगा देंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए एक नेगेटिव साइन लगा देंगे, ताकि हमें मालूम हो जाए कि ये नेगेटिव हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की वैल्यू है। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज का मतलब क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज, यानी कि जो आप ग्राफ में, अगर आपका ये ग्राफ है ना, ये ग्राफ अगर ये वाली वोल्टेज होगा ना, ये वाला जो होगा, ये इसे हम कहते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज, कि हमारा जो नेगेटिव हाफ वेव वेव बनी है उसकी पीक वैल्यू क्या है हमारे पास, उससे हम क्या कहते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज, के उस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, उस पॉइंट की वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी। ठीक हो गया। हमारे पास क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इनवर्स बायस दैट अ डायोड विल बी एक्सपोज इन टू इन अ रेक्टिफायर, यानी कि रिवर्स बायस का मतलब क्या है, जो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है ना, विल बी एक्सपोज टू रेक्टिफायर, जो रेक्टिफायर ने हमें प्रोवाइड किया हो वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन में, तो हम क्या कहते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज, PIV फॉर ऑफ द रेक्टिफायर, फॉर द हाफ वेव रेक्टिफायर द वैल्यू ऑफ PIV इज फाउंड एज PIV इज इक्वल टू V टू पीक। अब ये जो वैल्यू है ना पीक इनवर्स वोल्टेज, ये हमारे पास आइडियल केस के अंदर वैल्यू होती है, ये आपने याद रखना है, ये जो वैल्यू है किसकी वैल्यू है, ये आइडियल केस में। अगर हम इसको प्रैक्टिकल केस में करेंगे ना, तो वहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, PIV इज इक्वल टू ये पीक वोल्टेज माइनस जो डायोड का वोल्टेज होगा 0.7 0.8 जो मर्जी वहाँ पर डायोड लगी हुई होगी ना, वो हमें माइनस करना ही पड़ना है लाजमी, ये प्रैक्टिकल लाइफ के तौर पर आप एग्जाम्पल होती है जिसमें हमें डायोड का वोल्टेज माइनस करना पड़ता है, उसके बाद हमारे पास जो पीक वैल्यू होती है वो निकलती होती है। ठीक हो गया। अच्छा जी, द बेसिस फॉर दिस क्वेश्चन कैन बी सीन बाय रेफरिंग द फिगर 1 डायोड रिवर्स बस, ये सब चीज़ें, ये जो दो स्टेटमेंट है ना, आपको मैं इसके जरिए समझाता हूँ, मैं ये वाला, ये पहले भी हमने ये चीज़ें देखी थी, ठीक है ना, दोबारा बताया तो मैं ये सब चीज़ें हो क्या रही है यहाँ पर, ये मैं ऐसा करता हूँ, मैं पेंट प्लस वी, अब यहाँ पर देखें ज़रा, अब हमारे पास क्या है, ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है हमारे पास क्या, सबसे पहले पॉजिटिव ऊपर होगा नेगेटिव नीचे होगा, हमें मालूम है ना कि जो एसी वोल्टेज है, जो कंटिन्यूस करंट होता है, वो हमारे पास डायरेक्शन चेंज करता रहता है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, अभी हमारे पास ये पॉजिटिव साइकिल है हमारे पास, ठीक है ना, ये किस डायरेक्शन है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन, ठीक है ना, अब प्लस प्लस से जुड़ा हुआ है, नेगेटिव नेगेटिव जुड़ा हुआ है, वहाँ पर कौन से वाइस है, ये फॉरवर्ड वाइस है, बिल्कुल ठीक है ना, फॉरवर्ड वाइस के वापस क्या होता है, इस तरह मूव करता है, अब यहाँ से भी वापस क्या होगा, डायोड ऑन है, डायोड ऑन किस वजह से, फॉरवर्ड वाइसिंग की वजह से ऑन है, ठीक है ना, अब उसकी वजह से वहाँ पर लोड वोल्टेज, यहाँ पर भी कोई ना कोई वोल्टेज होगा, जो जो किसके बराबर होगा, जहाँ से निकलने वाला वोल्टेज होगा उसके बराबर होगा लोड रेजिस्टेंस का वोल्टेज, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो इसकी वेव बनेगी वो पॉजिटिव हाफ साइकिल बनेगी, इस तरह करके ये पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी, ठीक है ना, क्योंकि अब ये नेगेटिव जो है वहाँ पर रिवर्स पासिंग में कैसे हो जाएगा, रिवर्स पासिंग में वहाँ पर वोल्टेज इस तरह कर मूव करेगा ना, ठीक है ना, अब इस तरह कर लो, जब क्लॉक वाइज चल रहा है ना, इसका मतलब क्लॉक वाइज का मतलब क्या है, फॉरवर्ड वाइसिंग में ये मौजूद है, अगर ये एंटी क्लॉक क्लॉक वाइज में होगा ना, तो उसके उल्टी डायरेक्शन में क्या होगा, रिवर्स वाइसिंग होगी, ठीक है ना, ये बस आपने ये ध्यान रखना है, अगर डायोड का मुख किस तरफ हो, रेजिस्टेंस की तरफ हो, तो ये फॉरवर्ड वाइस है, अगर डायोड का मुख किस तरफ हो, ट्रांसफॉर्मर की तरफ हो, तो ये कौन सा वाइस होगा, ये रिवर्स वाइस, यानी कि नेगेटिव हाफ साइकिल वाला, आप इसे कैसे कंसिडर कर सकते हो आप उसको, कि जो अगर डायोड का मुंह इस तरफ होगा ट्रांसफार्मर की तरफ, तो वहाँ पे कौन सा साइकिल कराएगा, ये नेगेटिव साइकिल कराएगा, अगर डायोड का मुंह किस तरफ होगा, रेजिस्टेंस की तरफ होगा जैसे अभी हुआ है, तो ये कौन सा साइकिल कराएगा, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल कराएगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, जब ये पोलैरिटी चेंज होगी ना, पोलैरिटी चेंज होगी इस तरह करके, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ऊपर वाला जो करंट होगा ना, वो खत्म हो जाएगा, सिर्फ नेगेटिव में आ जाएगा, नेगेटिव में क्यों आएगा, क्योंकि हमारे पास अब करंट मूव हो रहा है इस तरह करके, ठीक है ना, अब इस तरह करके मूव हो रहा है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए, हमारे पास जो है ये वाला जो इस साइड का जो है हमारे पास, ये रिवर्स पासिंग में ना, हमारे पास ये रिवर्स पासिंग में हो जाएगा ये वाला, अगर पॉजिटिव नेगेटिव में जाएंगे, और इस तरफ भी जाएगा, तो इस टाइप पर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फॉरवर्ड पासिंग में हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव सॉरी ये वहाँ पर रिवर्स पासिंग में रहेगा, दोनों साइड रिवर्स पासिंग में, नेगेटिव हाफ साइकिल फिर भी एक करंट देगा, जिसकी जो किसकी वजह से आ रहा है, रिवर्स पासिंग की वजह से आ रहा है, जिसे हम कहते हैं ब्रेक पॉइंट, अगर हमें शुरू के क्लास में नहीं पढ़े हुए ना कि ब्रेक पॉइंट क्या होता है, ब्रेक पॉइंट से वोल्टेज कैसे इंक्रीज हो रहा है, करंट कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, ये वो उसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना, शुरू के लेक्चर में 31 32 लेक्चर सही है, ठीक है ना, उसके अंदर सब चीज़ें लिखी हुई, ग्राफ भी समझाया हुआ है उसके अंदर सब चीज़ें ना, ये उसकी वजह से यहाँ वोल्टेज क्रिएट हो रही है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब उसके बाद वहाँ पर नेगेटिव के सारा हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का सारा काम सही है। अब वहाँ पर फुल वेव रेक्टिफिकेशन, फुल वेव रेक्टिफिकेशन और हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में फ़र्क क्या होता है, हाफ वेव का मालूम है कि एक वेव प्रोड्यूस होनी है इस तरह करके, उसके बाद हमारे पास एक गैप आ जाना जीरो का, यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा, जीरो होगा, यहाँ पर कि वोल्टेज और करंट की वैल्यू होगी नहीं, ठीक है ना,
इस गैप के बाद फिर वोल्टेज आएगा, फिर करंट की वैल्यू आएगी, फिर वापस क्या आ जाएगी, एक गैप आ जाएगा। उस गैप की वजह से वहाँ पर करंट की वैल्यू वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर वापस क्या आ जाएगा, ऐसा करके ग्राफ आ जाएगा, साइकिल आ जाएगा, ऐसा करके। ये वापस क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। जबकि फुल वेव रेक्टिफिकेशन में क्या होता है, ये हाफ जो जगह बची हुई ना, ये जगह बची हुई है ये वाली, ये भी वहाँ पर फिल आउट हो जाती है एक सेकेंड डायोड की वजह से। ठीक है ना, ये वोल्टेज और करंट जो है किसकी वजह से आ रहा है, ये सेकेंड डायोड की वजह से। अब एक सेकेंड डायोड की वजह से कैसे आ रहे हैं, मैं यहाँ से कर दो कॉपी करता हूँ मैं कंट्रोल प्लस वी। अब आपने इसको तस्वीर को अपने गौर से समझना है। हमने जो है यहाँ पर मिसाल के तौर पर ना, हमारे पास यहाँ पर लगी हुई है आप कह लो सेकेंडरी कॉइल में, हम सेकेंडरी कॉइल के तौर पर लगी हुई नहीं, यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल में यहाँ पर एक वायर निकली हुई है जिसे हम कहते हैं ग्राउंड वायर कहते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर होता क्या, वहाँ पर मिसाल के तौर पर 10 कॉइल्स है हमारे हमारे पास, कितने कॉइल्स है, 10 कॉइल्स है। अब 10 को अगर हम हाफ में डिवाइड करें तो वहाँ पर आंसर क्या आता है, 5 में आता है, 5 आता है ना, 5 5 हाफ आता है। ठीक है, 10 का हाफ क्या होता है, 5 होता है। अब 5 के बाद जो पांचवी कॉइल होगी ना, पांचवी कॉइल को हमने क्या करना है, अभी इसकी एक तार बाहर निकाल देनी है, उस तार को हम यूज़ करते हैं एज अ ग्राउंड वायर। ठीक है ना, ग्राउंड वायर क्यों, क्योंकि हमने दो डायोड से लगाए हुए, ग्राउंड वायर आप कह लो एज अ नेगेटिव टर्मिनल इस्तेमाल की जाएगी उसमें। ठीक है ना, एज अ नेगेटिव आप कहते हो डायोड, जैसे कहते हैं नेगेटिव टर्मिनल इस्तेमाल किया, क्योंकि आपने शुरू के लेक्चर नहीं देखे वो देख लीजिएगा, उसमें इस तरह की डायग्राम है जिसमें एक ग्राउंड वायर लगी हुई है, साथ डायोड लगा हुआ है, आपको मैं दिखा भी देता हूँ साथ साथ में। 32 है मेरे ख्याल से, है ये 32, 32, एक मिनट, ये अब यहाँ पे देखिए ज़रा, ये देखिए ज़रा, ये एग्जांपल आपको याद है, इसमें वहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल जो है ग्राउंड वाला का, वहाँ पॉजिटिव टर्मिनल वहाँ पर वोल्टेज आ रहा है। ठीक है ना, सेम एट इज वही चीज़ वहाँ पर सेव है जो इसमें वापस आया, 38 में मेरे ख्याल से 37 है ये वाला। अब यहाँ पे देखो ज़रा, क्या यहाँ पर वैसे नहीं है वैसे सेम, ये वाला काम, ये वाला काम वैसे सेम है ना हमारे पास, तो वही चीज़ जो शुरू में हमने पढ़ी थी उसी चीज़ को हमने थोड़ा बहुत मॉडिफाइड करके हमने ट्रांसफॉर्मर करने इंटीग्रेट कर दिया हुआ, उससे हमारे पास फ़ायदा क्या हुआ, हमारे पास फुल वेव रेक्टिफिकेशन बन गया। अभी फुल वेव रेक्टिफिकेशन कैसे बनी है उसके बाद बात करते हैं हम। अभी हमारे पास क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव है और इधर हमारे पास क्या नेगेटिव है, ऐसे ही ना, जो फर्स्ट पोलैरिटीज होती हैं ऐसे ही के ऊपर पॉजिटिव होता है नीचे नेगेटिव होता है। ठीक हो गया, अब यहाँ पर से करंट फ्लो होगा, अभी कौन से डी वाला डायोड क्या होगा, वापस ऑन होगा, ये वाला डायोड क्या होगा, वापस ऑन होगा। कैसे ऑन होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ा हुआ, नेगेटिव वापस कैसे जुड़ा हुआ, नेगेटिव जुड़ा हुआ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब हम आप फॉरवर्ड बायस में होगा, यहाँ से करंट फ्लो होके इधर चले आएगा, इधर चले आएगा। ठीक है ना, इधर आएगा लेकिन यहाँ से मूव ऑन नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ा हुआ है और नेगेटिव जो है पॉजिटिव जुड़ा हुआ है। यहाँ पर वापस जो है डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, इधर वहाँ पर डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा, यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है ना, अभी यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ से वहाँ पर एक वोल्टेज आ गया। ठीक है ना, ये वोल्टेज कौन सा होगा, ये वाला वोल्टेज होगा, ये वाला वोल्टेज होगा। मैं सेकंड कलर भी यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ मैं, ताकि मैं आपको समझा सकूँ। मैं जो ब्लैक कलर होगा वो हमारे पास क्या है, डायोड वन के D1 का, ये वहाँ पर D1 है। ठीक हो गया, अब हमारे पास क्या है, अब पोलैरिटीज हमारे पास क्या होगी, चेंज होगी, पोलैरिटीज हमारे पास क्या हो गई है, चेंज हो गई है। चेंज कैसे हो गई हमारे पास, वो भी आपको बताया तुम्हें, ये देखना ज़रा अभी। अब पोलैरिटीज हमारे पास क्या है, चेंज है, चेंज कैसे है, इस तरह करके देखें। अब आप यहाँ पर वहाँ पर नेगेटिव आ गया, अब वहाँ पर यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, इसी करंट वोल्टेज लगा हुआ ना, इसी करंट में हमारा पोलैरिटी चेंज होती रहती है, कभी पॉजिटिव नेगेटिव बन जाता, कभी नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता। ठीक है ना, पहले पॉजिटिव यहाँ पर, यहाँ पहले पॉजिटिव था, अब इसकी जगह क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, यहाँ पर नेगेटिव था इसकी जगह क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। ठीक हो गया, अब ऊपर वाला डायोड क्या हो गया, वापस ऑफ हो गया, ऊपर वाला डायोड क्या हो गया, वापस ऑफ हो गया ना, वापस ऑफ कैसे हो गया वापस, क्योंकि नेगेटिव जो है वापस पॉजिटिव जुड़ा हुआ और नेगेटिव जो है वापस का पॉजिटिव जुड़ा हुआ इसके। ठीक है, किसी यहाँ पर जो डायोड होगा वो किस, वो क्या हो गया, पर रिवर्स बायस हो गया ये वाला ऊपर वाला। अब ये डायोड कैसे हो गया, ये डायोड वापस क्या हो गया, ऑन हो गया, ऑन कैसे हुआ, पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ा हुआ, नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ा हुआ, ऐसे ही ना। अब यहाँ से करंट फ्लो होगा इस तरह करके, यूँ यहाँ से मूव होते हुए अब इधर जाएगा। ठीक है ना, अब इसकी वजह से अभी कोई ना कोई एक वोल्टेज आएगा। ठीक है ना, वो वोल्टेज कौन सा होगा, ये वाला होगा, वोल्टेज होकर ये वाला होगा, इसे हम कहते हैं D2। ठीक है ना, सेम एट अब दोबारा से वही, और यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, फिर यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, फिर कौन सा साइकिल आ जाएगा, ये वाला साइकिल आ जाएगा, फिर
फिर वहाँ पर येलो साइकिल आ जाएगा, इसकी मदद से ऑरेंज कलर डी टू है, ब्लैक कलर वापस क्या है डी वन है, ऑरेंज कलर डी टू है और ब्लैक कलर वापस क्या है डी वन है, इस तरह करके वहाँ पर एक फुल वेव रेक्टिफिकेशन मानी थी, इस तरह करके ये ठीक हो गया। इसे हम कहते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन, जो कि दो डायोड की मदद से हमारे पास क्रिएट होती है। ठीक हो गया, आपको डायग्राम समझ आ गई होगी, अगर नहीं समझ आया होगा हमेशा मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा कि डायग्राम को और थोड़ा डिटेल में बता दें, फिर मैं इंशाल्लाह जो अगली लेसन 37 होगा 38 थोड़ी तो उसके अंदर मैं दोबारा समझाने की कोशिश कर दूंगा मैं, अगर समझ आएगा तो वेरी गुड हो गया काम। ठीक हो गया, अच्छा जी अब उसके बाद हमारे पास क्या सब चीज़ें वही लिखी हुई है जो एम सी क्यू के लिए वैसे है काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो अब इस बार एम सी क्यू है ना ज़्यादातर पैराग्राफ से ही आ रहे हैं, जो थ्योरेटिकल वर्क ज़्यादा उसमें सर ट्रांसफॉर्मर में सर के फॉर्मूले से आ रहे हैं, न्यूमेरिकल से आ रहे हैं थोड़े मोटे, ठीक है ना, ईजी थे लेकिन वो भी सारे ठीक है। अच्छा जी अब यहाँ पर जो हमारे पास है वो सब चीज़ें लिखी हुई है, जो वहाँ पर ट्रांसफार्मर होगा जो जो यहाँ पर लिखा है ना, जो यहाँ पर एक तार निकाली जो हमने ग्राउंड वायर कंसिडर किया, उसे हम क्या कहते हैं सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर, ये सर्किट क्या कहलाता है, इस सर्किट का नाम है सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर इसकी वजह से कहा जाता है क्योंकि हम इसके जो कॉइल है ना सेकेंडरी कॉइल, इसके सेंटर से एक वायर बाहर निकाल लेते हैं एज ए ग्राउंड वायर से आप कह रहे हो, ठीक है ना, इसी वजह से इसका नाम दिया गया है सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। वहाँ पर ट्रांसफार्मर के अंदर लोड को जाते सेंटर ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग में सब चीज़ें बताई हुई, इसके अंदर वोल्टेज फ्रॉम द सेंटर टैप टू ईच ऑफ द आउटर वाइंडिंग इज इक्वल वन ऑफ द हाफ ऑफ द सेकेंडरी वोल्टेज, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वी हैव 24 वोल्ट सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, द वोल्टेज फ्रॉम द सेंटर टू ईच आउटर वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज 12 वोल्ट। ये बता रहा है कि जो हमारे पास अगर हमारे पास जो है ना 12 वोल्ट का आप करो सेंटर कॉइल है हमारे पास, उसके वाइंडिंग की जो वोल्टेज है कितना 24 है, हमने उसके हाफ में जो जो हाफ कॉइल हो गया यानी कि 12 24 का हाफ क्या होता है 12 होता है ना, उस 12 के जो कॉइल हो गया उसको बाहर निकाल देना, इसका एक सिरा क्या करना बाहर निकाल देना एज अ ग्राउंड वायर यूज करेंगे हम उसको, तो वो वापस क्या होता है सेंटर टाइप को लाता है उसको, ठीक हो गया। सब चीज़ें वही लिखी है वहाँ पर, ये वहाँ पर उसके बाद बताया सेंटर टाइपिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर प्लेज अ मेजर रोल इन द ऑपरेशन ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर, जारी बात है अगर वहाँ पर ग्राउंड वायर नहीं होगी तो वहाँ पर डायोड की वर्किंग जो होगी ना वो भी नहीं सही तरह हो पाएगी, आप कह रहे हो वर्किंग करी नहीं करेगा ही नहीं सही तरह वो, ठीक हो गया। इसी वजह से हमारे पास जो डायोड है ना डायोड हमारे पास वर्किंग कर रहा है, इसलिए हम आप कह लो एक नेगेटिव टर्मिनल लाइए, जो ग्राउंड वायर है आप कह लो एज ए नेगेटिव टर्मिनल इस्तेमाल किया जा रहा है दोनों डायोड के लिहाज से, ठीक हो गया। अच्छा जी अब इसके बाद हमारे पास है बेसिक सर्किट ऑपरेशन, जो भी आपको मैंने समझाया ये सब चीज़ें वही है, ठीक है ना, जो ये डी वन से हमारे पास क्या प्रोवाइड हो रही है ये वाली वेव, ठीक है ना, और डी टू से कौन सी प्रोवाइड हो रही है वेव ये वाली वेव प्रोवाइड हो रही है, ठीक है ना, इसकी मदद मतलब से हम जब दोनों डायोड के वेव्स को मिलाते हैं तो वहाँ पर एक तरह की वेव बनी थी मैंने आपको जो शुरू में बताया मैंने, ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या कैलकुलेट देंगे लोड वोल्टेज या करंट वोल्टेज, लोड वोल्टेज फुल वेव पहले हमने पढ़े थे हाफ वेव के करंट वोल्टेज मालूम करना है और लोड वोल्टेज मालूम करना है, अब हमने क्या मालूम करना है फुल वेव की लोड वोल्टेज और एवरेज वोल्टेज कैसे मालूम करनी है और करंट कैसे मालूम करनी है, ठीक है ना, फॉर्मूला सेम टू सेम वही है, बस आपने क्या करना है वी टू ये पीक वोल्टेज है -0.7 होता था ना हाफ वोल्टेज हाफ रेक्टिफायर का फॉर्मूला क्या था लोड लोड वोल्टेज मालूम करने का, लोड वोल्टेज इज इक्वल टू पीक वोल्टेज जो सेकेंडरी कॉइल -0.7, अब आपने कहा था ना डिवाइड बाय टू कर देना, डिवाइड बाय टू किसके साथ आएगा लोड वोल्टेज के साथ, डिवाइड बाय टू किसके साथ है लोड वोल्टेज के साथ, जब इनको डिवाइड करने के उसके बाद आपने इसको किस में से माइनस कर देना है 0.7 डायोड के वोल्टेज के साथ, ठीक है ना, आपके पास फुल वेव रेक्टिफिकेशन का लोड वोल्टेज आपके पास आ जाएगा। उसके बाद जो है वहाँ पर एवरेज वोल्टेज कैसे मालूम करना है, एवरेज वोल्टेज हमें मालूम है हाफ रेक्टिफिकेशन में क्या था इतना था लोड वोल्टेज डिवाइड बाय पाई, आपने क्या कर देना उसको टू से मल्टीप्लाई कर देना, टू से मल्टीप्लाई कर दोगे हमारे पास किसके रेक्टिफिकेशन का आंसर आ जाएगा फुल वेव वोल्टेज एवरेज का आंसर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू फुल वेव रेक्टिफिकेशन का, ठीक हो गया। अब हमारे पास का एक सर्किट दिया हुआ है, हमने क्या मालूम करना डीसी लोड वोल्टेज, डीसी लोड लोड वोल्टेज का मतलब क्या है एवरेज वोल्टेज मालूम करना है और साथ साथ क्या मालूम करना है हमने क्या 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 मालूम करना है हमने और लोड वोल्टेज मालूम करना, दो चीज़ें मालूम करनी है, ठीक हो गया। हमें क्या चीज़ दी हुई भी कि हमें यहाँ पे एक करंट सोर्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स भी दी हुई है और हमें दो डायोड्स लगाए हुए हैं, ठीक हो गया, और वहाँ पर एक लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है। अच्छा जी अब हमने क्या करना है करंट की वैल्यू हमें दी हुई है, सबसे पहले आप वी वन का मालूम करो, वी वन का पीक वोल्टेज मालूम करोगे, उसके बाद वी टू का पीक वोल्टेज मालूम करोगे, फिर उसके जरिए वी टू के पीक वोल्टेज के जरिए आप क्या फाइंड आउट करोगे आप लोड वोल्टेज मालूम करोगे, लोड वोल्टेज मालूम करोगे फिर उसके बाद आपने क्या फाइंड आउट करना एवरेज वोल्टेज मालूम करना, सिंपल सा सेम वर्किंग वही है आपने करनी है। हमने क्या किया वही फॉर्मूला इस्तेमाल किया ये वाला फॉर्मूला पीक वोल्टेज के लिए, ठीक है ना, वी वन का पीक वोल्टेज मालूम कर लिया 11 आ गया हमारे पास ये, ठीक है ना, वापस ये भी आ गया। अब उसके बाद हमने वी टू का पीक वोल्टेज मालूम करना, जैसे हमने हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का किया था सेम है इसमें आपने करना है, ठीक हो गया, वहाँ पर इसका आंसर आ गया, ये आ गया इसका आंसर,
ठीक है ना। अब उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने करना है ये वाला लोड वोल्टेज। लोड वोल्टेज अभी कैसे मालूम करना था, हाफ वेव एक्टिवेशन में क्या कहते थे, वी टू यानी कि वी टू हमारे पास सेकेंडरी कॉइल ऑफ वी, सेकेंडरी कॉइल ऑफ वोल्टेज पीक माइनस डायोड का वोल्टेज, ये वापस के साथ फॉर्मूला था हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का। फुल वेव रेक्टिफिकेशन का आपका फॉर्मूला क्या है, सेकेंडरी पीक वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल ऑफ पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय टू माइनस डायोड वोल्टेज। यानी कि जब आप इन दोनों को डिवाइड कर लोगे इसके बाद जो आंसर आएगा ना उसको आपने किससे माइनस कर देना है, 0.7 से। ठीक हो गया, कैसे अब यहाँ पर देख लेना, अपन लोड वोल्टेज कितना निकला है सेकेंडरी कॉइल का, 26.52, अभी देख लेते हैं 26.52, ये देख रहे हैं 26.52 वहाँ पर डिवाइड बाई टू कितना आंसर आता है, 12.56, 12.56 ठीक है ना। अब आपने इसमें से क्या माइनस कर देना है, 0.7, -0.7 ठीक है ना। अब आप इसका आंसर क्या आ गया, 11 point something आ गया इसका आंसर, 11.86 आ गया इसका आंसर। अब यहाँ पर उन्होंने क्या निकाला भाई आंसर, 12.56, सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई, ये हमारे पास ये टोटल निकला हुआ है इस तरह करके लिखना था, वहाँ पर इसका आंसर क्या आता है 13.26। जब हम दोनों को डिवाइड करते हैं ना, यानी कि 26.52 डिवाइड बाई टू, वहाँ पर इसका आंसर क्या आता है 13.26। हमने इसमें से क्या माइनस करना है, 0.7, -0.7 ठीक हो गया। वहाँ पर इसका आंसर क्या आ गया, 12.56 आ गया इसका आंसर ठीक हो गया। इस तरह का लोड वोल्टेज की भी आ गया, हमने क्या मालूम मतलब एवरेज वोल्टेज, एवरेज वोल्टेज का फॉर्मूला मालूम है हाफ वेव एक्टिवेशन में क्या होता है, लोड वोल्टेज डिवाइड बाय पाई ठीक है ना। अब हमारे पास जो है फुल वेव रेक्टिफिकेशन में, हमारे पास क्या फुल वेव रेक्टिफिकेशन में आंसर, इसका जो फॉर्मूला होगा वो हमारे पास होगा 2 लोड वोल्टेज डिवाइड बाय पाई ठीक हो गया। आपने क्या करना, पहले आप इसको दोनों को बेचा डिवाइड कर लो, उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर दो 2 से, या फिर पहले आप लोड वोल्टेज को 2 से मल्टीप्लाई करो फिर आप पाई से डिवाइड कर दो, सेम आंसर आएंगे हमारे पास उस तरह करके ठीक हो गया। अब आप ये एक फर्स्ट न्यूमेरिकल इसका ये था फुल वेव रेक्टिफिकेशन का। सेकेंड हमारे पास क्या है, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ लोड वोल्टेज एंड एवरेज वोल्टेज। लोड वोल्टेज मालूम करना है और एवरेज वोल्टेज मालूम करना है, वहाँ पर सर्किट ये गिवन है। सर्किट में पास क्या है भी, एक वहाँ पर फुल वेव रेटिफिकेशन है पॉजिटिव, यहाँ पे याद रखना ये वहाँ पर पॉजिटिव फुल वेव रेटिफिकेशन है। पॉजिटिव फुल वेव रेटिफिकेशन कैसे मालूम हुआ, इस डायोड की वजह से, दोनों के मुँह हमारे पास क्या है इस साइड पर मौजूद है, दोनों के वहाँ पर किस टाइप मौजूद है इस साइड मौजूद है। अब कुछ सोच रहे होंगे अगर हमारे पास दोनों डायोड के मुँह किस तरफ हो, ट्रांसफॉर्मर की तरफ हो, वो नेगेटिव हो, जाहिर बात है नेगेटिव फुल वेव रेटिफिकेशन होगी। अब कुछ ये भी सोच रहे होंगे अगर एक डायोड का मुंह इस साइड पर हो और एक डायोड का मुंह किस तरफ हो दूसरी साइड पर हो तो फिर क्या होगा, वो वाला केस अभी हमने देखा नहीं है क्योंकि हमारे एंड्रॉइड में मैंने अभी देखा नहीं मैंने, अगर वो आएगा तो उसका भी लाजमी जवाब दूंगा क्योंकि मैंने अभी तक तो उसे सर्किट देखा नहीं जिसमें डायोड का मुंह उधर हो एक डायोड का मुंह उधर हो ठीक है ना। वो शायद उसमें वर्किंग भी नहीं होगी, उससे फायदा भी नहीं होगा उसका ठीक है ना। दोनों डायोड का मुंह सेम होना चाहिए, या तो इस तरफ करो या फिर इस तरफ करो। इस तरफ करोगे ट्रांसफॉर्मर की तरफ तो नेगेटिव हो जाएगा, इस तरफ करोगे रेजिस्टेंस की तरफ वहाँ पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा ठीक हो गया। अच्छा जी, अब उसके बाद वहाँ पर भी हमें दिया हुआ क्या है, यहाँ पर देखो नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए, ना हमें करंट वोल्टेज दिया हुआ है, सिंपल से 30 VA ऐसे दिए हुए। आप वी टू का पीक वैल्यू निकालो, सिंपल से वी टू की पीक वैल्यू निकालो, उसके बाद आपने सिंपल से फॉर्मूला लगा देना लोड वोल्टेज का, लोड वोल्टेज मालूम कर लेनी है आपने ठीक है ना। लोड वोल्टेज मालूम हो जाएगी आपको, उसके बाद फिर आपने क्या करना है एवरेज वोल्टेज मालूम करनी है। अभी हमें ऊपर फॉर्मूला पढ़ा हमने उसका ठीक है ना, एवरेज वोल्टेज मालूम कर लिया आपने, एवरेज वोल्टेज मालूम करने का आपका ये आंसर आ गया हमारे पास ठीक है ना। डीसी वोल्टेज का मतलब क्या होता है हमारे पास, वोल्टेज लॉट यानी कि आपने एवरेज में निकालनी है और क्या क्या निकालना है आपने वोल्टेज लोड वोल्टेज भी निकालने, दो चीज़ें निकालनी है। अभी हमने आपको दोनों चीज़ें कंसिडर बताई हुई कि आप लोड वोल्टेज भी निकालने एवरेज वोल्टेज भी निकाल देने, ये हम आपको घुमा फिरा के सवाल देते हैं। तो ऐसा करके आपको सिंपल से लिखते हैं डीसी लोड वोल्टेज निकालो भी, इसका फाइंड आउट करो कैसे करना है आपने। आप सिंपल से क्या करना है, लोड वोल्टेज एंड एवरेज वोल्टेज फाइंड आउट कर लेना ठीक हो गया। अगर आपने सिंपल से दिया हुआ लोड वोल्टेज एवरेज वोल्टेज तो आप सिंपल से तरीके से इस्तेमाल कर लेना ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे पास जो है ना ये दो चीज़ें वहाँ पास दी हुई है। अब उसके बाद जो है ये वहाँ पर डीसी लोड वोल्टेज वहाँ पास आ गए ना, अभी वहाँ पर लेसन नंबर 20-38 के अंदर थोड़ा बहुत इसके अंदर इसी एग्जाम्पल का जो है ना आगे वहाँ पर फर्दर किया गया है। उसमें वापस क्या है भी कि वंस द पीक एंड एवरेज वोल्टेज वैल्यू आर नॉन, इट इज सीरियस टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ करंट ठीक है ना, करंट लोड करंट और एवरेज करंट वहाँ पर इसमें दिया हुआ है ठीक है ना। हमने इसके अंदर क्या फाइंड आउट किया, हमने लोड वोल्टेज, लोड लोड करंट और लोड वोल्टेज दोनों चीज़ें इसके अंदर फाइंड आउट की है हमने। सेम एट आपने क्या करना है, जो लेक्चर नंबर 38 है, लेक्चर नंबर 38 में आपने वही चीज़ जो अपने जो ऊपर वैल्यू फाइंड आउट की ना, 20 लोड वोल्टेज की वैल्यू और एवरेज वोल्टेज की वैल्यू, वही आपने यूज़ कर लेनी है इसके अंदर ठीक है ना। वहाँ पर ये वाली एग्जाम्पल भी पूरी हो जाएगी, आपने खुद कर लेनी है ये वाली ठीक ओके। तो ये वहाँ पर लेक्चर नंबर 37 था, लेक्चर नंबर 38 के वहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल थी ठीक ओके। तो इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 38 के भी मैं क्वेश्चन करूँगा, उसका भी जल्दी जल्द मैं कर लूँ ठीक हो गया।
ओके, और लाजमी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई सवाल हो तो आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा कि इस चीज़ को कैसे करना है, इस चीज़ को कैसे सॉल्व करना है। ठीक हो गया, ओके, अल्लाह हाफिज़।